हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय चैनल कुकिंग विद तब्बू। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सूजी का हलवा बनाने की रेसिपी, जिसे आप रवा भी बोलते हैं, और ये इंस्टेंट बिल्कुल परफेक्ट हलवा बनके तैयार होगा। मेरे वीडियो को लास्ट तक जुड़े रहें, चलिए बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम गैस की फ्लेम को ऑन कर लेंगे और हलवे की चाशनी हमें तैयार कर लेते हैं। उसके लिए एक गिलास वाटर लेंगे और 3 कप शुगर यानी कि चीनी। हमें चीनी को पकाना है तो 1/2 कप वाटर और ऐड करेंगे, और यहाँ हमें ज़्यादा वाटर लेना नहीं है क्योंकि चीनी अपना पानी खुद ही रिलीज़ करेगा। इसको हम मीडियम फ्लेम पर चीनी को मिक्स कर लेंगे ताकि चीनी नीचे जमे ना। जब चाशनी हमारा पकना स्टार्ट हो तो हम थोड़ा सा इलायची पाउडर डालेंगे और 2 साबुत इलायची भी ऐड करेंगे। अब हमें यहाँ 1/2 पिंच येलो फूड कलर ऐड कर देना है और चाशनी को पकने के लिए रखेंगे। जब तक हमारा चाशनी पक रहा है, हम बाकी का प्रोसेस देख लेते हैं। यहाँ 1 कप मिल्क लेंगे, सैफ्रोन के कुछ धागे डालकर कुछ टाइम के लिए हमें रख देंगे। इसी के साथ 100 ग्राम मावा लेंगे यानी कि खोआ। मावे को बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने हल्का से रोस्ट कर लिए है। अब यहाँ हमें सारे ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से हमें हल्का सा घी डालकर फ्राई कर लेनी है। 1 टेबल स्पून या 2 टेबल स्पून घी ऐड करेंगे और सारे ड्राई फ्रूट को हमें फ्राई कर लेना है। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट अवेलेबल हो उसको आप ले लीजिएगा। यहाँ मैंने 50 ग्राम काजू और बादाम लिए हैं। अगर आपके पास किशमिश अवेलेबल है तो आप उसको ले लें। इन सारी चीज़ों को हमें घी में डालकर इसको फ्राई कर लेनी है। बिल्कुल हल्का हल्का इस तरह से हमें फ्राई करके तुरंत निकाल लेना है, और फ्लेम को लो ही रखेंगे वरना हमारे सारे ड्राई फ्रूट जल जाएंगे। इसको तुरंत निकाल कर साइड में रख लेंगे। इधर हम कढ़ाई ले लेंगे, मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको हम गर्म कर लेंगे। जब कढ़ाई हमारी गर्म हो जाए तो 2 टेबल स्पून घी डालेंगे। मैंने देसी घी ली है, और 2 टेबल स्पून से 3 टेबल स्पून हमें घी ले लेनी है। और इसी के साथ यहाँ मैं 2 साबुत इलायची ऐड करूँगी। जब इलायची हमारी चटक जाए तो इसमें सूजी ऐड कर देना है। ये देखिए, 100 ग्राम मैंने सूजी ली है, आप देख सकते हैं कितनी फ्रेश सूजी है और बिल्कुल दानेदार। ये देखिए, घी हमारी गर्म हो चुका है। अब सारे सूजी को हमें घी में ऐड करके हमें इसको भून लेना है। बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसको भून लेंगे, और इस बात का ध्यान दें कि हमें जब सूजी को भूनना है तो गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे, वरना सूजी नीचे से हमारी जल जाएगी। इसको हल्का कलर चेंज होने तक हमें सूजी को भून लेना है। एक बात का और, मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करने चाहूँगी। आप सब ने पिछली हर वीडियो पे आप सब ने इतना प्यार दिया, इसी तरह मुझ पर अपना प्यार बनाए रखें और मेरी वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहें। ये देखिए, सूजी का कलर भी चेंज हो गया है, अब बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। इस स्टेज पे हमें रोस्ट किए हुए मावे यानी कि खोआ को ऐड करेंगे, और थोड़ा सा इसको बचाकर हम गार्निशिंग में यूज़ करेंगे। इन मावों को हमें सूजी में मिक्स कर देना है। सारे मावे को अच्छे से मिक्स कर देना है सूजी में। इसी के साथ फ्राई किए हुए सारे ड्राई फ्रूट को भी हमें डाल देंगे, और साथ ही में जो हमने सैफ्रोन वाले दूध रखे थे ना, अब उसको हमें इसमें ऐड कर देनी है, और सारे दूध को हमें सूजी में अच्छे से मिला लेना है। और इधर हमारी चाशनी भी तैयार है, बिल्कुल परफेक्ट चाशनी हमारी बनके तैयार है। बिल्कुल एक तार की चाशनी है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ हमें शीरों को सूजी में अच्छे से मिला देना है। सारे शीरों को हमें इन सूजी में मिला देनी है। ये देखें, इस तरह से हमें सूजी को अच्छे से चाशनी में अच्छे से हमें मिला देना है। ये देखें, अब हमें बचा के रखे हुए मावे को भी हमें इसमें ऐड कर देना है। मैंने गार्निशिंग में थोड़े से मावे बचा कर रख लिए थे। और ये देखिए, हलवा भी हमारा तैयार है। बिल्कुल परफेक्ट, बहुत ही डिलीशियस हमारा हलवा रेडी हुआ है। मेरे बताए हुए मेथड से आप भी ज़रूर से ट्राई करें। बिल्कुल परफेक्ट और डिलीशियस आपका भी हलवा बनके तैयार होगा। रेसिपी पसंद आई है तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, और फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करना ना भूलें।
इसी तरह मेरे चैनल से जुड़े रहें और अपना प्यार बनाए रखें और मेरे फेसबुक पेज को लाइक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।